okay folks uh, let's start our class now today we'll be covering uh, two important chapters of uh, of our course uh, one being if you see your course structure so this is an important chapter that i'll be discussing what all are the important chapters also but this seems to be a, a relatively important chapter hmm. so if you see

मेजरली ब्रिक्स कंट्रीज के साथ हम कंपेरिजन करते हैं कि हाउ इज़ बीन द प्रोग्रेस एंड दिस इज दिस इज काइंड ऑफ दी इंटरनल ग्रोथ प्रोसेस ये वाली जो रीडिंग है दिस इज द काइंड ऑफ इंटरनल ग्रोथ प्रोसेस के ऊपर सो दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग प्लानिंग टू कवर टूडे नाउ लेटेस्ट शिफ्ट टू आर रीडिंग तो आई एम आई एम कवरिंग दीज टू थिंग्स एक सेकेंड हाँ सो लेटस्ट फर्स्ट कवर और यूनिट वन रीडिंग फाइव विच इज़ विच इज़ चैप्टर नंबर टू वन चैप्टर नंबर थ्री ना इफ़ यू सी दिस सो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया का ग्रोथ uh, प्रोसेस क्या है इंस्टीट्यूशनस क्यों इम्पोर्टेंट हैं कहाँ इंडिया लैक कर रहा है सो वी वील बी टॉकिंग अबाउट दी ग्रोथ प्रोसेस दैट इज़ देर इन इंडिया सो द्रोथ प्रोसेस जो था ये हम कई बार पढ़ चुके हैं इंडिया का जो फर्स्ट फेज़ था सेकेंड फेज़ था फॉर एग्ज़ाम्पल यू डी नो वॉट इज़ दी नेहरू वी एनहरा ठीक है यू ऑलरेडी नो उसके बाद इंदिरा गांधी का एरा आया फिर उसके बाद यू you नो know की पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई फिर राजीव गांधी का एरा, एरा आया जिसके अंदर इंडिया की ग्रोथ रेट जो थी दैट दैट पिक टॉप और इस टाइम तक हमारी ग्रोथ रेट नाइनटीन फिफ्टी से लेके कर नाइनटीन एटीज़ तक की जो ग्रोथ रेट है सॉरी नाइनटीन फिफ्टीज से लेके 1980s तक की जो ग्रोथ रेट है उसको हम क्या बोलते हैं कि कैन यूनि वन टेल मी कम्स तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और उसके बाद फिर हमारा जो मेजर डाइवर्जेंस आया जो इसके पहली वाली रीडिंग के अंदर भी बात करते हैं सो दिस रीडिंग टॉक्स अबाउट की जो डाइवर्जेंस आया है ग्रोथ का वो नाइनटीन में है बट वो जो ग्रोथ रेट है वो सस्टेनेबल नहीं है ठीक है दैट ग्रोथ रेट वॉज देयर बट दैट ग्रोथ रेट वॉज नॉट सस्टेनेबल

जब हमारा ग्रोथ अच्छा था टिल 1997 एंड देन अगेन रिसेशन ऑफ मल्टीपल सॉर्ट्स एंड देन 2004 से 2008 के बीच में यू गेट गेट दैट गोल्डन ग्रोथ रेट का पीरियड बट डिस्पाइट दैट दिस रीडिंग विल ब्रिंग आउट सर्टन नेगेटिव एस्पेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल दिस रीडिंग विल टॉक अबाउट दैट गोल्डन ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी बात है बट डिड इट परक्यूलेट सो वॉट हैपन इन इंडिया वर्स कि हमारा ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छा था इफ़ यू सी पोस्ट नाइन्टीज बट इनफ डिड नॉट परक्युलेट डाउन सो दिस इज वॉट द प्रॉब इज दैट हमारा ग्रोथ रेट दो फाइव टू सिक्स परसेंट के बीच में है अगर हम टोटल बोले नॉट नॉट दिस पीरियड बट पोस्ट नाइन नाइनटी वन और इस पीरियड का तो खैर इट्स अराउंड एट परसेंट बट दी वॉट वी यूड सी इज दैट देर इज दिस मिडिल क्लास दैट वॉज बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट विच इज काइंड ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ट्वेंटी परसेंट और दी रिचेस्ट ट्वेंटी परसेंट जिनको बेनिफिट्स मिला बट उसके अलावा जो ग्रोथ का जो बेनिफिट्स जो थे दैट वर नॉट पर्क्यूलेटेड डाउन द स्ट्रीम और वो हमें दिखाई देगा दिखा, वेजेस से कि इंडिया के अंदर वेजेस जो हैं वो तो राइज किए ही नहीं मतलब वेजेस तो सबसे गरीब लोग तो वेजेस ही कमाएगा तो वेजेस अगर राइज नहीं कर रहे दैट मीन्स दर इज अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी सो अंटलनेस जब जब एनआरई जी आएगा और एनआरई जी की वजह से थोड़ा बहुत वेजेज इंक्रीज होंगे सो वील सी दैट ऑल ऑफ दैट दैट काइंड ऑफ मर्जिंग ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया एंड देन वील सी की ग्रोथ हमारा कम क्यों है मतलब वॉट इज लैकिंग इन आवर ग्रोथ तो वील टॉक अबाउट सर्टन स्ट्रक्चर सर्टन इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया की ग्रोथ में है ही नहीं ठीक है नहीं या स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केट्स का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट स्टेट का भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां पर मार्केट फेल फॉर एग्जाम्पल यू वुड है स्टडीड पब्लिक इकोनॉमिक्स पब्लिक इकोनॉमिक्स में यू वुड यू वुड रीड प्योर पब्लिक गुड्स जहाँ पब्लिक गुड्स जहाँ पर मार्केट्स कंप्लीटली फेल कर जाती हैं प्रोवाइड करना गुड्स फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हेल्थ ये सारी चीज़ों में सरकार की ज़रूरत है और और वहीं पर कई बार सरकार नहीं आती है तो उसकी वजह से फेलियर्स हो जाता है और इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ में कंप्लीट फेलियर्स रहे हैं तो इसीलिए हमारी जो ग्रोथ फिगर्स जो हैं वो चाहे नॉमिनल ग्रोथ फिगर्स अच्छी हैं बट उनका इफ़ यू सी दी परक्यूलेशन डाउन की रियल इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो नहीं हुआ है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देन वील टॉक अबाउट मैनुफैक्चरिंग ऑल्सो कि हमारा जो आ, जो ग्रोथ का पैटर्न है अगर हम चाइना से जब कंपेयर करेंगे आगे जाके ये चाइना के साथ कंपेयर करेगा इसी रीडिंग में सो सुवील सी कि अच्छा आ, कि, कि चाइना के साथ कंपेयर करोगे तो हाँ हमने अपना जो जो बीच का गैप था वो कम करना शुरू कर दिया है बट चाइना के अंदर जो ग्रोथ पैटर्न था वो डिफरेंट था चाइना ने अपनी एम एस को बूस्ट किया था इंडिया का ग्रोथ पैटर्न जो था वो मेजरली अपना सर्विसेज सेक्टर में था तो इसीलिए अभी भी वो जो ब्रिज है वो वो गैप ब्रिज नहीं कर पा रहे हैं हम तो वो जब तक हम मैनुफैक्चरिंग की ग्रोथ नहीं करेंगे जब तक हमारी मैनुफैक्चरिंग फर्म्स नहीं आएंगी जब तक हमारी मैनुफैक्चरिंग वेजेस नहीं बढ़ेंगी तब तक हमारे पास दैट 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 डेवलपमेंट विल नॉट है छोटा सा एक काइंड ऑफ राउंड अप था ऑफ दर टू चैप्टर्स न वैन दिस रीडिंग वॉज रिटन एट वाइड कि यूरोजोन जो है उसको हम अपलॉट करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर डेवलप कंट्रीज को लो तो डेवलप कंट्रीज के अंदर अगर दो परसेंट की भी ग्रोथ रेट है ठीक है इवन इफ यू से टू परसेंट ग्रोथ रेट इन यू एस तो हम कहते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है ठीक है जबकि इंडिया का अगर छः परसेंट पर भी ग्रो कर रहे होंगे तो हम कहते हैं कि इंडिया की स्लो ग्रोथ रेट है ठीक है सो सो ये जो ये जो परफॉर्मेंस है बहुत डिजमल परफॉर्मेंस बह, बहुत मतलब अगर हम कहते हैं कि छः परसेंट भी डिजमल है तो ये बहुत रिलेटिव है बिकॉज वो डेवलप्ड इकॉनॉमी है डेवलप्ड इकोनॉमी अगर सपोज यू आर सेइंग कि कोई बहुत बड़ी जीडीपी को लेके है तो बहुत बड़ी जीडीपी के ऊपर दो परसेंट ग्रो करना बहुत बड़ी बात होती है सपोज इट्स समथिंग लाइक दिस कि किसी के अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि किसी के 95 मार्क्स हैं तो 95 मार्क्स से 97 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ठीक है ये इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू किसी के 50 मार्क्स हैं तो 50 से 70 मार्क् लाना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है और सेम एज़ परसेंटाइल कि कोई आप में से कुछ लोग कैट लिखोगे या कैट लिख रहे होगे तो नाइन्टी सेवन से नाइन्टी सेवन परसेंटाइल लाने में ना जान निकल जाएगी बट से 70, 50 से इवन 80 या 90 लाने में इतना कोई एफर्ट नहीं लगेगा तो थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी ट्वीजिंग करनी है आपको सो दैट इज दैट इज वाई वॉट वी आर ट्राइंग टू से रिलेटिव कंसेप्ट हैं दोनों के दोनों देन एंड मॉट ऑल्सो वॉट मैटर्स इज कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ से कर क्या रहे हो मतलब एक हो गया कि आपका हेडलाइन नंबर बढ़ रहा है बट हेडलाइन नंबर बढ़ने से वॉट इज दैट वॉट इज दाइवलीहुड इम्पैक्ट ऑफ ऑफ दैट ग्रोथ तो क्या आपका जो इम्पैक्ट है जो आपका ग्रोथ रेट है वो इसीलिए बढ़ रहा है कि टॉप फ्यू परसेंट लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर जो हमने इनक्वालिटी की रीडिंग में भी पढ़ा था कि इंडिया की इनक्वालिटी जो है बढ़ी जा रही है अगर हमने देखा कंजम्पशन पैटर्न तो कंजम्पशन ऑफ द बॉटम फोर्टी परसेंट वॉज फॉलोइंग विच इज दिस इज काइंड ऑफ डेंजरस और और अगर हम टॉप वन परसेंट का देखें तो वो बिल्कुल शूट अप कर गया आफ्टर आफ्टर द रिफॉर्म्स सो What do you do with economic growth? How does it impact the society and an individual's income? That also matters. And सरकार उस, सर, उस, उस पब्लिक रेवेन्यू को क्या कर रहा है वो भी बहुत मैटर करता है ठीक है एंड we'll कंपेयर कि बाकी लोगों ने क्या किया आगे जाके जब हम चैप्टर 3 पे आएंगे तो हम जापान और चाइना के साथ कंपेयर करेंगे देन फिर उसके बाद ये वाला जो जो नेक्स्ट फेस है ये दिस इज बेसिकली शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फास्ट ग्रोथ तो यह भी बता रहा है कि हमारा फास्ट ग्रोथ कब से शुरू हुआ और क्या हुआ सो वी ऑलरेडी नो दैट हमारा कुछ समथिंग द वॉज समथिंग कॉल्ड एज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इवन दो हिंदुजम एड नथिंग टू डू विद इट दिस वॉज कॉइंड बाय दि वे दिस वॉज कॉइंड बाय के एन राज सो so, फोक्स uh, ये सारी चीज़ें जो है ना अब थोड़ा सा अपने मेमोरी में डालना शुरू करो थोड़ा डेटा डालना शुरू करो बिकॉज फॉर यू द एंट्रेंस मोड फॉर मैंने आई थिंक रुपया ऑलरेडी भेजा हुआ है सी यू ई टी ठीक है सी ई टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री देना आप लोगों को अगर डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एंट्रेंस चाहिए तो एंट्री चाहिए तो, तो ये सारी चीज़ें सी यू ई टी पूछेगा तो यू हैव टू बी रेडी विद एंड इट्स एन ओवरवेलमिंगली इंडियन इकोनॉमी बेस्ड पेपर सो योर इंडियन इकोनमी या स्टेटिस्टिक्स या और बजट में अभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट ईयर तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप सी वी टी क्लियर कर पाओगे इट्स नॉट जस्ट माइक्रो माइक्रो जो आप लेके चल रहे थे कि सर माइक्रो माइक्रो पढ़ के चला जाएंगे ठीक है देन फिर उसके बाद सो uh, so, uh, हम रेलिटिवली पुअर ग्रोथ से आ रहे हैं तो अब ये भी तो देखो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द ग्रोथ द ग्रोथ दैट वी क्रिएटेड ये मैंने पहले भी रीडिंग में बताया था पिछले वाले जो फर्स्ट रीडिंग कराई थी कि इससे पहले जो हमारी ग्रोथ रेट थी एक परसेंट की ग्रोथ रेट थी तो एक परसेंट से साढ़े तीन परसेंट लाने में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है सो 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 दैट वॉज अ लीप फॉरवर्ड बट अगर आप पर कैपिटा बेसिस पे देखोगे कि तो हमारी दो ढाई परसेंट से तो हमारी पर uh, कैपिटा हमारा पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो हमारी जो पर कैपिटा जी है वो सिर्फ डेढ़ परसेंट से बढ़ रही है और कोई भी इकोनॉमी जो मैंने उस टाइम भी बोला था कोई भी इकॉनॉमी अगर डेढ़ परसेंट से बढ़ रही है रियल टर्म्स में पर कैपिटा टर्म्स में वो कभी भी सोसाइटी के लिए कुछ कर ही नहीं सकती है क्योंकि उसके बाद इतने रिसोर्सेज ही नहीं है ना वो रैपिड डेवलपमेंट होगी ना पॉवर्टी रिडक्शन होगा सो इफ़ यू सी दी रिडक्शन डिक्लाइन और इफ़ यू सी दी डेवलपमेंट दैट हैज़ हैपन इन दी कंट्रीज पोस्ट नाइनटीन बिकॉज उसके बाद ही हमने रेलिवेंट ग्रोथ करी है पाँच परसेंट छः परसेंट बीच में आठ परसेंट की ग्रोथ है और डेढ़ परसेंट की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो आपने एटलीस्ट पाँच साढ़े पाँच परसेंट की ग्रोथ करी है सो अनलेस यू आर एबल टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ ग्रोथ रेट यू विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन ऑन पॉवर्टी और और इन टर्म्स ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल सो दैट वॉज द केस देन ये जो मॉडर्स्ट ग्रोथ था हमें पता है एटीज में वो फाइव परसेंट की ग्रोथ रेट शुरू हो गई दिस वॉज जस्ट बिफोर नाइनटीन नाइनटी वन एंड देन नाइन नाइनटी वन के बाद सॉलिड फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ हमने डाले जिसमें हमने जो अपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था एंड ओपनिंग अप द इकोनॉमी वो सारे थे बट अगेन आगे जाके बात, बात करेंगे कि हमने मार्केट्स को तो थोड़ा ठीक करना शुरू किया बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सोश जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उनको हमने ठीक नहीं करा वहाँ पर रिफॉर्म्स नहीं करे ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आज का अखबार पढ़ो तो आपको दिखाई देगा कि मतलब म्यूनसिपल लेवल्स पर अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की इतनी बुरी हालत इसलिए क्योंकि म्यूंसिपल्स बहुत ख़राब चल रहे हैं मुंसिपा, मुंसिपैलिटीज़ जो हैं वो बहुत ख़राब परफॉर्म कर रही हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसीलिए ख़राब है क्योंकि म्यूनसपैलिटीज़ ठीक से नहीं काम कर रही तो अगर ये रिफॉर्म्स जो थे उनके साथ में ये म्यूनसपैलिटीज़ के रिफॉर्म हो जाते वो एम्पावर हो जाते तो हमारी आज की लाइफ डेट में लाइफ कुछ और होती है सो अगेन आई आई मीन एम जस्ट स्ट्रेचिंग द ट्रैचिंग दॉइंट बट

डिस्पाइट दिस ग्रोथ रेट इंडिया इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज इन दर्ल्ड अगर आप पर कैपिटा बेसिस पर देखोगे तो हमारी डेढ़ सौ रैंक आती है कहीं पर ठीक है हमारी ऑलमोस्ट आज की डेट में भी अभी हमारी दो हज़ार डॉलर पर कैपिटा इन वो है इनकम है ठीक है तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली ग्रोथ अलोन इज अनलाइकली टू एंड दीज प्रॉब्लम्स तो सिंपल जो है वो ग्रोथ जो है वो चीज़ नहीं पूरी कर पाएगा अगर ग्रोथ ही होती तो आज की डेट में हमारा जो न्यूट्रिशन uh, के नंबर्स हैं और और क्या uh, कहते के हैं अनएम्प्लॉयमेंट uh, के नंबर्स हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के नंबर्स हैं ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बात करी हुई है कि इंडिया का वुमन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना कम है इंडिया का माल न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा है इंडिया में इनिकवालिटी कितनी ज़्यादा है तो ग्रोथ अपने आप में ये सारी चीज़ें ग्रोथ एक एनेबलर है बट ग्रोथ से आप कर क्या रहे हो आपके इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं वो बहुत चीज़ मैटर करती है सो अगेन आई टू गिव यू अ एग्जाम्पल की देखो पैसा अदानी के पास भी है और अंबानी के पास भी है अब उनकी जनरेशन उसके साथ क्या करती हैं ये वो डिपेंड करता है ठीक है अदानी एकदम से बढ़े जा रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा फोरसाइट उसका और ज़्यादा लॉन्गर है ठीक है पर एप स्विच इज विच इज काइंड ऑफ मिसिंग इन केस ऑफ मे बी सो अगेन सो so वही वही वाला बात है कि ग्रोथ अलोन इज अनलाइटली टू एंड दीज प्रॉब्लम्स एटलीस्ट नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम बट बट इट इज़ सर्टनली मच इजियर टू रेमिडी सच डिफिशेंसीज और विद ग्रोइंग इकोनॉमी तो इट्स इट्स काइंड ऑफ अ नेसेसरी कंडीशन सो यू कैन राइट दिस इन योर आंसर दैट ग्रोथ इज अ नेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशेंट कंडीशन फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ एन इकॉनॉमी ठीक है और जब हम डेवलपमेंट बोलते हैं तो होलिस्टिक डेवेलपमेंट की बात करते हैं फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट सेक्शन है पास्ट एंड द प्रेजेंट ये क्या करेगा ये हमें बताएगा अब कि बहुत सारे थ्योरिस्ट ने क्या क्या लिखा और ये आपको ना आ, 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 मतलब नाउ तो ना पास्ट एंड द लेट्स सी द पास्ट एंड द प्रेजेंट तो इफ़ यू सी पास्ट एंड द प्रेजेंट तो इसमें हमारा अलग अलग थ्योरीज आएंगी हमारी ठीक है इन थ्योरीज में हम देखेंगे कि एडम स्मिथ ने क्या कहा बाकी सारे लोगों ने क्या कहा एंड द रीज़न दैट पोस्टेड दिस बिकॉज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इन से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो वहाँ पर आपको ये जो है वो रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी कि एडम मतलब यू हैव टू गो बियॉन्ड वॉट इज रिक्वायर्ड एंड यू कैन यू कैन कोट एडम स्मिथ का ये वाली थ्योरी इन इन एस एन कोट इट एनी तो और कुछ बहुत अच्छे टेक्स हैं विच यूजली आया सिविल सिविल सर्विस वाले Uh, उनको uh, बच्चों को बताने के लिए कि अच्छा ये जरूर आप देखिए ठीक है सो आल आल टॉक अबाउट इट सो वेल्थ ऑफ नेशंस है वेल्थ ऑफ नेशंस बेसिकली एडम स्मिथ की जो थ्योरी है वो बेसिकली यही बता रही थी कि वॉट इज आई मीन वाई इंडिया वॉज वॉज सो रिच ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम सेवनटीन सेवेंटी सिक्स रिमेंबर दिस इज द एटीन सेंचुरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और वाई वाई वर वाई वॉज इंडिया कंसिडर टू बी सच ए रिच कंट्री इट्स बिकॉज ऑफ द प्रोस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडिया वर्ल्ड का थर्टी थर्टी के अराउंड परसेंटेज जो है वो ट्रेड का इंडिया होल्ड करता था सो so, जब आप इतना बड़ा ट्रेड का uh, वो आप होल्ड करते हो तो अगेन आप रिच तो हो ही जाओगे सो so, बट उसके बाद क्या हुआ उसके बाद फिर सेवनटीन फिफ्टी सेवन के अराउंड जब बैटल ऑफ पलासी हुई एंड देन दीवानी राइट्स वर अगेन गिवन टू दम्पायर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से इंडिया का जो डिक्लाइन uh, था सेक्युलर डिक्लाइन था वो शुरू होना हो गया ठीक है सो दिस वॉज दिस वॉज द केस इन केस ऑफ इंडियाज इंडियाज़ पास एंड उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश का सिर्फ एक ही काम था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है फोकस अगेन द रीजन दैट आई पोस्टेड दिस पोल इज़ कि सी के अंदर अगर आप पैटर्न देखोगे तो उसके अंदर आपको एक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आपके पास एक सेक्शन मिलेगा जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है सो आई लाल अपलोड सर्टन वीडियोज ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस यू हैव टू स्टडी दैट फॉर सिविल्स इज वेल तो मैं वो वाला पोर्शन डाल दूंगा सो प्लीज रीड दोज पोर्शन फॉर योर एंट्रेंस सो उसमें आप यही देखोगे कि इंडिया का हिस्ट्री जो है वो कैसा था तो अगर आप देखो तो uh, अगर हम अगर हम देखें तो ब्रिटिश का जो मेन पर्पज था फॉर कॉलोनाइजेशन वॉज इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन और बेसिस ऑफ दिस इकनॉमिकॉइटेशन देवर देवर बेसिकली टर्निंग इंडिया टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मेटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बट अगर आप ब्रिटिश uh, से पहले वाला पीरियड अगर आप देखो सो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट का वेन वन इंडिया वॉज डूइंग रेली वेल बिफोर बिफोर दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्टेड तो इंडिया के जो वेजेस थे और जो प्राइसेस थे और लेबर के जो वेजेस रियल वेजेस थे वो ऑलमोस्ट सेम थे एज इन केस ऑफ ब्रिटिश विच शोज विच शोज़ दैट यूरोपियन कंट्री से हमारी जो uh, जो वेजेस हैं वो मैच करती थी बट उसके बाद फिर ये गिरनी शुरू हो गई इंडियन इकोनॉमी में अंडर ब्रिटिश लॉन्च दैन टू टू दैट एक्सटेंड दैट इंडिया का जो जी डी पी है वो दैट डैट एक्चुअली वॉज ओनली जीरो पॉइंट वन परसेंट बिटवीन टू नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया हुआ है फिर ग्रोथ सिंस इंडिपेंडेंस ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं uh, टर्जरी पीरियड uh, ये, ये हमने पूरा का पूरा ग्रोथ का हमने पूरा फेज देखा हुआ है कि क्या क्या है यू कैन यू कैन विजिट दी औरलीडियोज फॉर दिस ना एक कई बार बोला जाता है आ, इसी इसी आ, कई बार कंटेक्स में कि इंडिया का जो सोशलिस्टिक प्लानिंग थी दैट वॉज द रीज़न फॉर आवर फेलियर बट अगर आप तो, मतलब बट दिस इज अज क्लेम दैट यू आर मेकिंग कि इंडिया की सोशलिस्ट पॉलिसीज की वजह से आपने किया बट अगर आप सोशलिस्ट पॉलिस कंट्रीज देखो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी यू एस आर चाइना वियतनाम क्यूबा इन इन सब में इन सब में ये पोलिटिकल इंडाट्रिनेशन और डॉकोमेटिज्म है अबाउट आई मीन अबाउट देयर रजीम बट इन सारी कंट्रीज में एक चीज बहुत कॉमन है कि इनको सबको पता था कि बहुत स्कूल एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद ही एकदम से हाथ खड़े कर लिए अपने स्कूल एजुकेशन से दैट वॉज आर प्रॉब्ल वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स कि इंडिया ने स्कूल एजुकेशन पर फोकस ही नहीं किया इंडिया ने कहा बेसिक एजुकेशन दे दो और दैट वॉज अ इलीटेस्ट कंसेप्ट दैट वॉज अ गांधीन कंसेप्ट एंड दैट दैट इज वेयर वी वेंट रॉन्ग कि वॉट इज बेसिक एजुकेशन यार मतलब बाकी सारी कंट्रीज इवन इवन कम्युनिस्ट कंट्रीज कह रही हैं कि यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन दो और आगे आगे जाके हम जापान पे देखेंगे तो जापान में हम कहेंगे कि जापान ने जो मेजर रेस्टोरेशन किया जापान ने जो डेवलपमेंट किया वो मेजर एम्फोसिस उनका एजुकेशन था उनका इनफैक्ट एक लो इनका इनका एक कैच फ्रेम कैच फ्रेज था देर शुड नॉट बी एनी फैमिली देर शुड नॉट भी एनी अनएकेटेड पर्सन इन अ फैमिली तो इस तरीके से उन्होंने अपने अपने पूरी पुटरी किया था अपना डेवलपमेंट इंडिया ने अपना अलग ही पूरा प्रोसेस किया और ये रविन्द्र नाथ टैगोर ने भी देखा था कि ना इंडिया में इंडिया में ये चीज़ जब उन्होंने रशिया जाके देखा कि ये लोग हर चाहे कम्युनिस्ट फिलासफी से हैं बट एवरी वन वॉज़ पुटिंग अ वेरी आई मीन वेरी हाई स्टैंडर्ड और वेरी वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ रूल कि हमें एजुकेशन अच्छी देनी है एंड अगर इंडिया की तीन डेकेट्स ऑफ प्लानिंग देखो तो तीन डेकेट्स ऑफ प्लानिंग में हम कहते रहते हैं कि सोशलिज्म सोशलिज्म पर हमने सोशलिज्म के नाम पे कुछ भी नहीं किया तो एक हमारा एक फेलियर जो हो गया वो एजुकेशन का हो गया और दूसरा फेलियर हम जो बताएंगे तो वो हेल्थ केयर का हो जाएगा तो ये जो दो इंपॉर्टेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ये तो हमने कंप्लीटली मिस आउट करे हैं इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशनस वीक हैं एंड क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन वीक रह गए थे इसीलिए हमारा ग्रोथ जो है वो वो अच्छे फ्रेमवर्क ग्राउंड फ्रेमवर्क पर नहीं था देन सो इन फैक्ट दी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान टॉक्ट अबाउट स्कूलिंग एट एलिमेंट्री लेवल एंड फेवर्ड इंस्टीट्यूट समथिंग कॉल्ड एज बेसिक स्कूलिंग विच इज़ काइंड ऑफ अ रोमांटिक एंड एक्सेंट्रिक आइडिया दैट चिल्ड्रन शुड लर्न सेल्फ फाइनेंसिंग हैंडीक्राफ्ट ये ये कौन सा वो गांधीन फेज आप की बात कर रहे हो कि चरखा चलाओ और उससे पैसा कमाओ फिर एजुकेशन करो मतलब दैट वाज दैट वाज दैट वाज अगेंस्ट मॉडर्न फ्लेवर ऑफ एजुकेशन इन फैक्ट देर वाज अ टेंडेंसी नॉट टू ओपन न्यू प्राइमरी स्कूल्स और 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 ओनली आफ्टर 1956 जब काफ़ी सारा पब्लिक प्रेशर हुआ तब ये थोड़े बहुत स्कूल्स खुलने शुरू हुए एंड एज एज यू कैन सी इंडियन प्लानर्स वर वोजिट पोल्स टू द प्लानर्स फ्राम ऑल कम्युनिस्ट कंट्रीज वेयर ऑल ऑफ देम वैल्यूड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एजुकेशन वॉज सीन एज अ फंडामेंटल सोसाइटल कमिटमेंट तो ये हमने किया ही नहीं था और इंडिया के अंदर जो ये प्लानिंग थी जिसमें हमने एजुकेशन और ये सिर्फ इंडियन नेचर था सो देर वॉज दिस दिस वॉज दिस फीचर ऑफ सोशलिज्म लैक ऑफ एजुकेशन वॉज काइंड ऑफ एन इंडियन फॉली ओनली सो और ये अपर कास्ट जो जो बायस है वो उसकी वजह से भी था ठीक है जस्ट से येस बुक्स सो सो एज अस टेलिंग यू दैट दिस वॉज इन डीड होम ग्रोन फॉलो इन दी सेंस कि हमारा हमने खुद ही बनाया एक अजीब सा रूल और और वो अपर कास्ट बायस दिखाता है कि अपर कास्ट बायस कि हमें ज़्यादा लोगों को एजुकेट नहीं करना अगेन क्योंकि ज्यादा लोग एजुकेट हो जाएंगे तो फिर तो उनको वो अपने डिमांड्स भी रखने शुरू कर देंगे तो इट वॉज काइंड ऑफ काइंड ऑफ अ डेलिबरेट मूव बाय दी अपर कास्ट और ये हम देखेंगे कि इंडिया का एक और ग्रोथ में एक मेजर जो इंट्रेंस है जो बाकी सारी कंट्रीज स्पेशली कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में नहीं मिलता वो है कि वहाँ पर कास्ट में और रिलीजन के बेसिस पर डिवीज़न ही नहीं है सो so, इंडिया में जो सोशल मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर जाती है लेबर मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर जाती है इनोवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कास्ट के जो बैरियर हैं उन्हीं को ब्रेक नहीं कर पाते इसीलिए लोग लो अर्बन एरियाज़ में आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत मेल्टिंग पॉइंट्स है जहाँ पर लोग कास्ट नहीं देखते बट यहाँ पर भी कास्ट बहुत मैटर करती है सो कास्ट इज समथिंग विच 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 इज एन इंस्टीट्यूशन इन इट सेल्फ एंड होल्ड बैक इंडिया टू अ लार्ज एक्सटेंड बिकॉज दिस डज नॉट अलाउ फॉर सोशल मोबिलिटी देन सो 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 इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इन अर्यर वॉज वॉज नॉट पर्टिकुलरली सोशलिस्ट एंड वो जिस तरीके की प्लानिंग थी वो वो भी सोशलिस्ट नहीं थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कुछ जो एरियाज थे वो आ, पब्लिक सेक्टर के पास थे बट बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जो प्राइवेट सेक्टर के पास थे तो वी वर क्लियरली अ मिक्स्ड इकोनमी ठीक है हमारे हमारे पास अभी तक टिल 1969 कोई नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ नहीं हुई उसके कोई मेजर लैंड रिफॉर्म थोड़े बहुत शुरू किए बट उसके बाद लैंड रिफॉर्म भी हमने बंद कर दिए तो कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के रेलवेज पावर वाटर को ले छोड़ के मेजर जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट के हाथ में ही थी तो वी कैन नॉट से कि इंडिया की जो प्रॉब्लम थी वो थी सोशलिस्टिक नेचर की क्योंकि हमने सोशलिज्म इन टोटो और ऑन मतलब हमने सोशलिज्म की तरफ अच्छे से कमिट ही नहीं किया था देन अगेन uh, एक और मेजर प्रॉब्लम जो मैं आपको बोल बता रहा था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और जो टर्जरी इंडस्ट्रीज हैं वो कंप्लीटली फेल कर गई थी इंडिया के अंदर इनफैक्ट ग्रोथ ऑफ द टर्जरी सेक्टर वॉज स्लोअर इन द फर्स्ट पीरियड एज वॉज द जी डी पी तो हमारा ग्रोथ जो था वो इतना अच्छा था भी नहीं और प्लस uh, अगर हम देखें कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन वो सारा खराब था देन उसके बाद वही आगे जाके पूरा वो पोलिटिकल uh, वो बता रहा है कि अच्छा नाइनटीन सिक्सटीज़ में क्या हुआ क्यों ग्रोथ नहीं थी फिर नाइनटीन सेवेंटीज़ में क्या हुआ फिर उसके बाद ये पोलिटिक्स क्या हुआ नेशनलाइजेशन क्यों करा और इंडिया में वो जो लाइसेंस परमिट राज था वो आ गया नाइनटीन सेवेंटीज़ में जिसकी वजह से अगेन ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गई जिसको बिमल जरान बोलता है कि इंडिया में नाइनटीन सेवनटीज़ के अंदर की बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंस इनकॉन्सिक्वेंशल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत थी तो इसकी उनकी बुक्स पढ़ सकते हो अगर आप आर ग्रेड बी दोगे तो इनकी बुक्स पढ़ सकते हो वंडरफुल वंडरफुल ऑथर दउटलुक अच्छा अगेन आउटलुक जो है नाइनटीन एटीज में इम्प्रूव हुआ बट अगेन जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो हमारा वॉज वॉज लेड बाय अूज फिजिकल डेफिसिट तो फिजिकल डेफिसिट ट्रेड डेफिसट फॉरन डेट हुआ जिसकी वजह से क्राइसिस आया नाइनटीन नाइन्टी में और ये मैं आपको ऑलरेडी स्टोरी सुना चुका हूँ कि वी हैव टू पॉन आवर गोल्ड टू बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड फिर स्ट्रक्चरल एंड एंड स्टेबिलाईजेशन रिफॉर्म्स जो हमें हमें करने पड़े वॉशिंगटन कंसेंस के अंदर हमने वो किए दैन सो uh, so जो हमने रिफॉर्म्स किए वो वो मेजरली ओपन ओपनिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड किया रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है वो सारे हमने पहले कर दिए फिर उसके बाद बाद में धीरे 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 करके हमने पहले कुछ कुछ रिफॉर्म्स किए फिर धीरे धीरे करके हमने प्राइवेटाइजेशन किया लेबर रिफॉर्म्स धीरे धीरे शुरू किए एफ डी आई लेके आए तो हम कुछ पहले हमने कुछ रिफॉर्म्स किए अंडर नाइनटीन फिर उसके अंदर ग्रेजुअलिज्म के थ्रू हमने धीरे धीरे बाकी सारे रिफॉर्म्स किए देन अब रिफॉर्म्स को जज कैसे करना चाहिए रिफॉर्म्स को जज करना चाहिए नॉट बाय नॉट बाय द इंपैक्ट ऑन नॉट ओनली बाय देयर इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो ऑन की उसकी वजह से लाइव्स ऑफ पीपल कैसे चेंज हुआ फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 1991 के रिफॉर्म्स अच्छे थे तो उसकी वजह से यस टॉप ट्वेंटी की इनकम्स इंक्रीज हुई बट आफ्टर दैट अगर मैं देखूं कि एग्रीकल्चरल जब मैं वेजेस देखूंगा एग्रीकल्चर वेजेस 80s के अंदर पाँच परसेंट से ग्रो कर रही थी और उसके बाद 90s के अंदर और 2000s के अंदर एक डेढ़ परसेंट दो परसेंट से इंक्रीज़ कर रही है तो दैट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ का इंपैक्ट एग्रीकल्चरल वेजेस पे नहीं पड़ा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पर भी सो वी विल टॉक अबाउट दैट तो ग्रोथ ऑफ वॉट ये हम अब अब बात करेंगे कि, कि किस चीज़ का ग्रोथ हुआ फिर ठीक है नाउ इफ यू सी ग्रोथ ऑफ वॉट तो ग्रोथ ऑफ वॉट में वी वी टॉक अबाउट की देर इज़ दिस अंडरस्टैंडेबल एक्साइटमेंट कि हमारी मिडिल क्लास जो है वो इम्प्रूव कर गई है टॉप ट्वेंटी परसेंट के लोग इम्प्रूव कर गए और हमारी वो कंजपशन के अंदर भी दिखता है बट इफ़ यू सी बिटवीन नाइनटीन नाइन्टी थ्री और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक हो जाएगा अगर आप यू पी एस सी या कोई सी एस सी लिखोगे तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, बिकॉज दिस विल गिव यू दैट दैट पंच ऑफ डेटा दैट एन एस एस नोट्स

और जो अमीर लोग हैं वो प्रॉब्ली स्पेंड कर रहे हैं सिमिलरली देर हैज़ बीन अ स्लो डाउन इन ग्रोथ ऑफ़ रियल एग्रीकल्चरल वेजेस जो आपको बता रहा था कि जो एग्रेरियन वेजेस हैं पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के अंदर पहले एटीज़ uh, में पाँच परसेंट से ग्रो कर रही थी फिर दो परसेंट से और अब जीरो परसेंट से ऑलमोस्ट ग्रोथ आफ्टर टू थाउजेंड तो दैट मीन्स जो uh, uh, कि एग्रेरियन लोग हैं जो अल्टीमेटली uh, इस टाइम पे अगर आप देखो तो फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट लोग एग्रीकल्चर कर रहे होंगे अर्ली टू थाउजेंड में तो साठ परसेंट लोगों की अगर आप कहो कि रियल इनकम ग्रो ही नहीं कर रही है तो आप आप कैसे कह सकते हो कि आपकी जीडीपी जो है वो ब्रॉड बेस्ड है इंक्लूसिव ग्रोथ है आपकी तो आप कह ही नहीं सकते दैट मींस आपका जो हेडलाइन नंबर ग्रोथ का आठ परसेंट नौ परसेंट का दिख रहा है वो एक एलिटिस नंबर है कि कुछ लोगों के पास ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है बट मेजोरिटी के पास तो इनकम का कोई शेयर नहीं जा रहा और उसके बाद ओनली आफ्टर टू थाउजेंड की कुछ पिकअप हुआ है एनआरजीए की वजह से कि आप आपकी आ, वो बढ़ी है वेजेस बढ़ी हैं और फिर उसके बाद इसको कंपेयर कर लो चाइना के साथ चाइना के अंदर अगर आप टू थाउजेंड का फर्स्ट डेकेट देखोगे तो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उनकी जो वेजेस हैं वो 12 परसेंट पर ईयर से गिरी है, इंक्रीज हुई हैं जबकि इंडिया के अंदर ढाई परसेंट से तो कोई क्यों मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहेगा कोई रीज़न नहीं है मैनुफैक्चरिंग में आने का तो मैन्युफैक्चरिंग में लेबर भी क्यों आएगी मतलब एक तरफ जो हमने लेबर लॉज में पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट की लेबर लॉज भी हमारे खराब है फिर हमें ये भी पता है कि और भी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम इन मैन्युफैक्चरिंग बट साथ में वहां पर कुछ कुछ ये भी तो होना चाहिए कुछ अट्रैक्टिव फैक्टर तो होना चाहिए तो वहां पर अगर हम देखें तो रियल वेजेस इन इन चाइना लोग अल्टीमेटली क्यों जाना चाहेंगे जब लोगों को दिखाई देगा कि हाँ यार मैन्युफैक्चरिंग बड़ी अच्छी सैलरीज मिल रही है तो हम यहाँ से निकल के अपने अपने एरिया से निकल के मैनुफैक्चरिंग में चले आते हैं। में जाते हैं जैसे आज की डेट में लोग कहाँ जाते हैं यूजली इंडियन इंडियंस कहाँ जाते हैं अगर उसको उनको अनस्किल्ड जॉब करनी होती है और पैसे ज़्यादा कमाने होता है कहाँ जाते हैं इंडियंस एनी आइडिया एनी आइडिया फोक्स किसी को एक अनपढ़ इंडियन कहाँ जाता है पैसा कमाने के लिए नहीं नहीं मैनुअल लेवल ही अगर उसको सपोज वो विलेज में है और उसको पैसे कमाने हैं ड्राइविंग में गल्फ़ कंट्रीज एग्जैक्टली गल्फ कंट्रीज सो अगर यूजली इंडिया के अंदर क्या होता है कि uh, अगर लोग सऊदी का आपने नाम सुना लोग कहते हैं कि सऊदी चले जाते हैं तो मेजरली क्या होता है कि ये पुअर जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड पुअर लोग ये क्या करते हैं ये कहते हैं कि हम सऊदी में जाके काम करेंगे वहाँ चाहे कैसा भी काम कर लेंगे हमारा पासपोर्ट चाहे रखवा लो वहाँ पर ठीक है तो

कि देखो मेन की वेजेस जो है वो पहले एटीज के अंदर फाइव परसेंट थी और उसके बाद देखो पहले टू थाउजेंड में एक परसेंट जीरो परसेंट की ग्रोथ रेट है और वुमेन के लिए नेगेटिव है फिर उसके बाद टू थाउजेंड फाइव से टू थाउजेंड ट्वेल्व के बीच में इलेवन के बीच में ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हुई है स्पेशली फॉर वुमेन बिकॉज ऑफ एनआर क्योंकि एनआरईजे कहता है कि कुछ नंबर ऑफ जो हमारे वर्कर्स होने चाहिए वो वुमेन होनी चाहिए तो ये इसकी वजह से इंप्रूवमेंट हुआ है देन अब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम अपनी पावर्टी फिगर्स है हमने पावर्टी की रीडिंग पढ़ी पावर्टी रीडिंग में हमने देखा uh, एक टेंडुलकर रिपोर्ट तेंडुलकर रिपोर्ट कितना बोलता है फोक्स आपका परसों एग्जाम है जल्दी से बता दो टेंडुलकर और रंगराजन टेंडुलकर क्या बोलता है 2004 से 2012 के बीच में क्या पावर्टी हुई है 2004 की क्या नंबर है कमान फोक्स अरे 2004 का नंबर पूछ रहा हूँ 2012 का नंबर नहीं पूछ रहा हूँ 2012 में है बाईस परसेंट अरे पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसका पावर्टी की इतनी इंपॉर्टेंट रीडिंग पावर्टी और इन क्वालिटी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर थर्टी सेवन परसेंट तेंडुलकर बोलता है और फिर ये बाईस परसेंट तेंडुलकर बोलता है रंगराजन जो है वो बोलता है दो हज़ार चार में फिर दो हज़ार नौ में और फिर दो हज़ार ग्यारह में चार में ये कुछ चार का मुझे फिगर याद नहीं आ रहा आ, नौ में तो ये बोलता है कि ये थर्टी एट परसेंट के अराउंड कुछ है ठीक है और इलेवन में बोलता है कि ये ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट है इसीलिए सरकार ने ये आ, आ, अप्रूव नहीं करी थी कि आ, सरकार ने इसको माना ही नहीं था आ, रंगराजन रिपोर्ट को दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रीडिंग फोक्स कि रंगराजन हाउ इज़ रंगराजन डिफरेंट फ्रॉम एवरी ठीक है कुछ इम्पोर्टेंट भी सर आप कुछ इम्पोर्टेंट भी बताते हुए चलिए प्लीज़ तो मैं बताते तो रहूँ ये इंपॉर्टेंट बहुत रीडिंग है हिमांशु की रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रंगराजन की भी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ठीक है तो ये हेड काउंट रेशो तो यहाँ पर इन्होंने अभी, अभी अभी सारी फिगर्स नहीं डाली हुई हैं सो बट अब एक जगह आप कह रहे हो कि यार हमारी इनकम हमारी क्या कहते के हैं एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बढ़ी पर फिर आप पॉवर्टी की फिगर बोलते हो तो पावर्टी इतनी जल्दी कैसे गिर गई इट्स बिकॉज ऑफ द डेंसिटी इफेक्ट अब ये डेंसिटी इफेक्ट क्या होता है सपोज ये लाइन है अब बहुत सारे लोग जो है ना वो वो यहाँ पर हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं ये बहुत ज़्यादा डेंस है ठीक है पावर्टी लाइन है ठीक है और जैसे ही इनकी इनकम थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी तो एकदम से एकदम से एकदम से क्या होगा पाव नंबर ऑफ पुअर जो होंगे वो एकदम से कम हो जाएंगे तो बिकॉज जस्ट बिलो द पावर्टी लाइन जस्ट बिलो द पावर्टी लाइन बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी पुअर लोगों की जैसी इनकी इनकम नॉमिनली भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई एकदम से यू विल सी दैट पीपल जो आपकी पॉवर्टी थी वो ड्रास्टिकली गिर गई इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर दिस दैट दी काउंट रेशियो ऑफ रूरल पॉवर्टी वो डिक्लाइन फ्रॉम दिस इज नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी इफेक्ट दैट मेनी पीपल आर जस्ट बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन एंड स्मॉल इंक्रीज इन पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनफ टू लिफ्ट दैम अबव द लाइन सो दिस इज दिस इज द रीजन एंड ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन ही अपने आप में इतनी कम है आप, आप, आप बहुत लूजली डिफाइन कर रहे थे पॉवर्टी लाइन को डेढ़ परसेंट या दो परसेंट पर डॉलर पर पर कैपिटा पे आप डिफाइन कर रहे हो पर डे पर कैपिटा पे तो आपने बहुत लूजली डिफाइन किया अगर आप उसको दो दो डॉलर को और चार डॉलर करके देखो तो आपको एकदम से दिखाई देगा कि इंडिया में एटी uh, सिक्स परसेंट पुअर हैं ये देखो दैट दो इफ दी पावर्टी लाइन वॉज टू बी डबल्ड मतलब चार डॉलर पर पर आ, पर डे अगर मैं ले लूँ तो हमारी पावर्टी लाइन जो है वो नाइनटीन एटी थ्री में जो एटी सिक्स परसेंट थी अब टू थाउजेंड फोर में एट्टी परसेंट रह जाएगी तो दैट मीन्स बीस साल में कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो एक हमारी पावर्टी लाइन बहुत ज़्यादा लूजली डिफाइंड है और दूसरा कि हमारी जो क्या कहते के हैं आ, दिस दिस आ, पावर्टी लाइन उसमें एक डेंसिटी इफेक्ट है कि एकदम से उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं और ये इंडिया की और चाइना की मंथली वेजेस का इंडेक्स देख लो कि कहाँ कुछ इंडिया में कुछ इंक्रीज ही नहीं और चाइना में देखो कैसे इंक्रीज हो रहा था देन सो वन ऑफ द द्वेश्चन वाई इकोनॉमिक ग्रोथ हैज लेड टू सो लिटिल इंक्रीज इन वेजेस एंड इनकम्स इज एसोसिएटेड विद वॉट इज कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ कि इंडिया के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो इंडिया के टर्जरी सेक्टर में हुई है सर्विसेज में हुई है और सर्विसेज जो है क्योंकि वो जॉब्स क्रिएट ही नहीं करती ज्यादा से ज़्यादा वो लेबर इंटेंसिव है और वो कैपिटल इंटेंसिव है स्किल इंटेंसिव है इसलिए वहाँ पर जॉब्स नहीं है और क्योंकि वहाँ पर जॉब्स नहीं है इसलिए उन लोग जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनकी तो सैलरीज बढ़ गई बट मेजॉरिटी लोगों की नहीं बढ़ी सो दे फॉर देर फॉर वहाँ पर इम्प्रूवमेंट uh, नहीं हुआ द अदर प्रॉब्लम इज दैट इंडिया में जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो बहुत पुअर है और वो पुअर होने की वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत पुअर है तो हमारी जो uh, जो बेसिक पब्लिक सर्विसेज होती हैं हेल्थ एजुकेशन लिटरेसी अंडर न्यूट्रिशन ये सारी जो जो बेसिक चीज़ें हैं जो सरकार को देनी चाहिए ये सारी बहुत पुअर हैं सो इनफैक्ट अगर हम वो देखें कि हमारा जैसे मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन के अंदर आपको जो पहली स्टेटमेंट बतानी चाहिए आंसर्स में वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आप स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हो ठीक है सो न्यूट्रिशन इंटेक्स जो हमारे और कम हुए हैं एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा हमारा खराब होता जा रहा है सो आई आई जॉबलेस ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ इज कि आपका ग्रोथ हो रहा है बट यू आर नॉट एबल टू एम्प्लॉय मोर पीपल द दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ जी डी पी इज नॉट मच कि अगर आपने एक परसेंट जी डी पी एड किया तो उसकी वजह से एक परसेंट जी डी पी एड किया तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट बढ़ा तो इंडिया के अंदर जो ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा पुअर है स्पेशली इन टू थाउजेंड टू थाउजेंड ऑन तो और वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो टर्जरी सेक्टर में हुई है और टर्जरी सेक्टर ज्यादा जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर सकता तो हमारी मेजर जो जॉब क्रिएटर होता है वो हमेशा हमेशा प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर होता है तो दैट वॉज वन ऑफ द रीज़न एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि वॉट कि अगर हमारी पब्लिक सर्विसेज ठीक हों तो एटलीस्ट uh, कुछ फ्रीडम होगी लोगों की और फिर वो और आगे जाके जॉब्स ढूंढ पाएंगे मैनुफैक्चरिंग जॉब्स ढूंढ पाएंगे बट उसके लिए यू नीड टू इन्वेस्ट इन दिस पब्लिक सर्विसेज की हेल्थ एजुकेशन अंडर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की बात करो तो इंडिया के अंदर uh, हमारी जो न्यूट्रिशन वाली रीडिंग है वही बताती है कि हमारे बहुत सारे फिगर्स जो हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव और फोर का डेटा है हमने वो दोनों डिस्कस किए हैं कि हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा कई जगह पर खराब होना शुरू हो गया है वुमेन के केस में हमारी एनीमिया और ज्यादा बढ़ गई है तो बिच शोज कि देर इज दिस प्रॉब्लम दैट इज देयर इन ग्रोथ मॉडल एंड अ लॉट ऑफ दैट हैज टू डू विद इंस्टीट्यूशंस कि डेवलपमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस की वजह से भी होता है आप इंस्टीट्यूशन को साइड में मत रखिए ठीक है जितने आपके अच्छे इंस्टीट्यूशंस होंगे उतना आपका डेवलपमेंट होगा तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेज एज वेल मतलब हर कॉलेज का इंस्टीट्यूशन अलग है और उस इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करेगा कि वो कॉलेज के बच्चे कैसे होंगे सो so, कई कॉलेजेस जो हैं अब जैसे देखो आप लोगों ने एक कॉलेज सुना शहीद सुखदेव सुना ही होगा हैव यू हर्ड दिस कॉलेज शहीद सुखदेव बी बी एम एस ऑफर करता है ठीक है तो शहीद सुखदेव जो है अब कहने को रोहिणी में कहीं कुछ कॉलेज है ठीक है मतलब कोई प्राइम लोकेशन पर नहीं है इससे पहले तो वहाँ होता था ईस्ट डेली में होता था

तो जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे एक कॉलेज है आपका आ, ये रामानुजन कॉलेज तो रामानुजन कॉलेज चाहे लोगों ने नहीं सुना हुआ बट इन टर्म्स ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना अच्छा बिल्ड कर लिया कि इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा बन गया तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो वो बिल्ड किए जा सकते हैं तो वही चीज़ है कि आप किस तरीके का वो उन्होंने एक एक अलग सा इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू किया वेयर दे आर क्रिएटिंग एंड जनरेटिंग ऑफ रेवेन्यू और जब रेवेन्यू होगा तो आप चीज़ें खर्च कर सकते हो आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते सो दैट बिकम्स एन एनेबलर सो दिस दिस रिलेशनशिप बिटवी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इज द थीम ऑफ दिस बुक एंड उसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फॉर दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दे सिक्योर एंड एनकरेज इकोनॉमिक इनिशिएटिव फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इंस्टीट्यूशन इस तरीके के हैं विच प्रमोट किया अच्छा फीमेल्स जो हैं वो बाहर जाए वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करें इक्वालिटी मिले उनको अगर इस तरीके के इंस्टीट्यूशन हैं अगर इंस्टीट्यूशन हैं कि लेबर मोबिलिटी अलाउ करते हैं कि हाँ कोई भी आदमी कुछ भी पढ़ सकता है कोई भी तरीके की जॉब कर सकता है तो आपका ग्रोथ हो सकता है बट अगर आप वही परोकली सोच सोचते रहो कि भाई कास्ट परो की कास्ट है जेंडर है रिलीजन है अगर यही सारे इंस्टीट्यूशन आपको हैंडल करेंगे तो यू कॉन्ट डेवलप और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था सिविल्स में जब आप पढ़ते हो तो आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं अलग अलग तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डारन आसिम्गलो की एंड जेम्स रॉबिन्सन की एक बुक है वाई नेशंस फेल बहुत यू शुड यू शुड एटलीस्ट हैव अ कर्सरी लुक एट दिस पर्टिकुलर बुक स्पेशली फॉर फॉर सर्विसेज लाइक द सिविल सर्विसेज तो वाई नेशंस फेल और ये आपको ऐसे में भी बहुत हेल्प करेगा तो वो यही बताता है कि इंडिया से इंस्टीट्यूशन के अंदर जो जो रिजिडिटी है ऑफ कास्ट वो बहुत ज़्यादा वो है क्या कहते हैं बैरियर है टू ग्रोथ और यही चीज़ अम्बेडकर भी बोलते थे कि इंडिया के अंदर जो डिविजन ऑफ लेबर है वो इट्स आयरन कॉटन बिकॉज इन कंपार्टमेंट्स बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम और अगर आप अगर आप जापान के केस के अंदर बात करें तो जापान में जो मेजी रेस्टोरेशन हुआ इन 1868 तो उनकी लीडरशिप ने सबसे पहले जो काम किया वो एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किया और इफ़ यू सी देयर थॉट प्रोसेस तो उनका ये देखो ये ये एक एक और बुक है गिफ्ट्स ऑफ अतना एंड विच टॉक्स अबाउट द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूमलेशन ऑफ नॉलेज कि जितनी ज़्यादा नॉलेज इकोनॉमीज होंगी उतना ज़्यादा आपकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होगी यही वो चीज़ है जिसको सोलो कहता है सोलो रेजिड्यू सोलो को नोबेल प्राइज ही इसी चीज़ के लिए मिला था सोलो रेजिडियू के लिए और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए रोमर को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल तो अल्टीमेटली वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था सो दिस इज दिस इज वेयर दिस इज़ वेयर योर योर एजुकेशन कम्स इन टू प्ले और एजुकेशन वॉज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ नेशनलिस्टिक प्रोग्राम इन केस ऑफ जापान एंड यही वो जो मैं आपको बता रहा था ना नो कम्युनिटी विद एन इलिटरेट फैमिली और नॉर अ फैमिली विद विद एन इलिटरेट पर्सन दिस इज द काइंड ऑफ प्रिंसिपल दट जब जापनीज फॉलो जिनकी वजह से आज की डेट में उनकी ग्रोथ है एंड देर आर नंबर ऑफ पेपर्स विच डिस्कस द डू इंस्टीट्यूशन कॉज ग्रोथ एंड विच विच काइंड ऑफ सेज येस इंस्टीट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉस्टरिंग ग्रोथ दैन द म्यूचुअल सपोर्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट uh, दोनों साथ में चाहिए और उसके लिए आपको पब्लिक uh, रेवेन्यूज जो है आपको ठीक तरीके से स्पेंड करने पड़ेंगे एंड वो हमें दिखता है इफ़ यू सी द केस ऑफ चाइना चाइना डिवोर्स थ्री परसेंट ऑफ इट्स जी डी पी ऑन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ वेर एज इंडिया सिर्फ एक परसेंट करता है एंड हेल्थ जैसी चीज़ों में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली इसमें मार्केट है गरीब आदमी को पता ही नहीं है कि क्या करना है ठीक है Uh, तो uh, वहाँ पर ए समेटर इंफॉर्मेशन की वजह से अगर पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर सॉल्व नहीं कर सकता सो द थिंग शुड बी कि पहले आप अपने पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंदन करो इन सारे एरियाज में स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन के अंदर और एक बार पब्लिक सेक्टर स्ट्रेंदन हो गया तो फिर प्राइवेट सेक्टर कैन कैन डू द सप्लीमेंट्री पार्क बट नॉट द अदर वे अराउंड इंडिया के अंदर क्या है इंडिया मूव टुवर्ड्स टूवर्ड रेजिलियंस और रिलायंस ऑन प्राइवेट सेक्टर हेल्थ और ये हमें पता कैसे चलता है एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है इसको लिख सकते आउट आउट ऑफ ऑफ पॉकेट पॉकेट एक्सपेंडिचर पर लिखा नहीं जा रहा एक्सपेंडिचर कि अगर कोई हेल्थ इंपैक्ट पड़ा तो आप अपने पॉकेट से कितना खर्च कर रहे हो तो सत्तर परसेंट है दैट मीन्स एक इंडियन अगर सौ रुपए हेल्थ केयर में खर्च कर रहा है तो सत्तर रुपए जो है उसकी जेब से निकल रहे हैं तीस रुपए जो है वो सरकार दे रही है तो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन केस ऑफ हेल्थ एंड एंड इंडिया के केस में इफेक्टिवनेस जो है वो रिलायंस ऑन प्राइवेट हेल्थ की वजह से मिसिंग है बट केरला हम कई बार केरला का एग्जाम्पल देते हैं कि केरला में तो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ था बट केरला का एक्जाम्पल देखोगे तो पहले उन्होंने यूनिवर्सल कवरेज ऑफ ऑफ स्टेट हेल्थ किया था फिर बाद में इम्प्रूव वो, वो हुआ था ठीक है देन और सिमिलरली ये एजुकेशन के साथ में भी है सेम चीज़ कि इंडिया ने 1990s का जो रिफॉर्म्स किए उसके बाद से दो जाइगेंटिक इकोनॉमिक गवर्नेंस के फेलियर्स थे पहला जो फेलियर था वो कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ मार्केट जो बेसिकली ठीक करने की कोशिश करी आपने जो लाइसेंस परमिट राज था जो आपने ठीक करने की कोशिश करी थ्रू नाइनटीन रिफॉर्म्स और जो दूसरा था कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ द स्टेट ये अभी भी काइंड ऑफ मिसिंग है कि स्टेट को क्या करना चाहिए स्टेट को पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए स्टेट को इंस्टीट्यूशन रिवाइज करने चाहिए वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं दैन दी अदर एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें आप एस डी जीज का नाम भी ले सकते हो एस डी जीज टू थाउजेंड थर्टी और इसके अंदर आप सी ओ पी का नाम सी ओ पी ट्वेंटी सेवन भी लिख सकते हो uh, कि सी ओ पी ट्वेंटी सेवन में क्या हुआ एस डी जीज में क्या हुआ ठीक है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फैक्ट तीन बहुत इंपॉर्टेंट चली है एक एस की चली है कॉन्फ्रेंस एक सी की कॉन्फ्रेंस चली है और एक अभी रिसेंटली जी ट्वेंटी की कॉन्फ्रेंस चली सॉरी सी ओ पी और जी ट्वेंटी की तो अगेन बोथ ऑफ देम टॉक अबाउट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए दैट मीन्स हमें इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान रखते हुए uh, काम करना पड़ेगा और इफ़ यू सी और आज की डेट में तो और भी ज़्यादा पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें हो गई हैं सो पोल्यूशन जो है इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज राइट नाउ एंड पोल्यूशन अगेन वो आपका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ेगा बट और इकोनॉमिक एनेबलर भी नहीं होगा उसका सो इंडिया इंडिया नीड्स टू इंडिया नीड्स टू गेट इट्स रिवर्स क्लीन इट्स एनवायरमेंट क्लीन बिकॉज दैट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट पीपल आर फेसिंग एंड इसी के साथ में एक पढ़ना कुजनेट्स इनवायरमेंट कर्व ठीक है इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए कुजनेट्स एनवायरमेंट कर्व कि ये इन्वर्टेड यू शेप एनवायरमेंट कर्व क्या है यू कैन ड्रॉ दैट एज वेल सो सो दिस इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ और हाँ मतलब इतना ही बहुत है वैसे तो देन टॉकिंग अबाउट दैट growth comparison ग्रोथ कम्पेरिजन ऑफ ऑफ within india इंडिया मतलब अगर आप इंडिया का ग्रोथ कम्पेरिजन करोगे uh, within इन इंडिया विद अदर स्टेट्स अगर हम कंपेयर करें और फिर बाकी कंट्रीज़ के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो जो आपको सेक्शन फाइव में आपको मिलेगा बट विद इन स्टेट्स अगर आप कंपेयर करोगे तो हमें दिखाई देगा कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें फॉर एग्जांपल केरला तमिलनाडु एचपी ये तीन स्टेट्स को तो आप अलग से लिख लो कि एक केरला एक तमिलनाडु और एक हिमाचल प्रदेश ये तीन स्टेट्स जो हैं दीज आर बीन रियली गुड स्टेट्स इन ऑलमोस्ट ऑल पैरामीटर्स एंड इट्स बिकॉज कि इन्होंने इंटरनली बहुत अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो हैं बहुत स्ट्रॉग किए हैं तो विच अगेन शोज कि कितना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपकी ग्रोथ ट्रेजिक्ट्री पे आपकी आपकी गवर्नेंस पे अगर आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन को और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हो एज़ कम्पेयर टू से uh, ऐसे uh, जो हम के बीमारू स्टेट्स हैं यूपी एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड uh, बिहार uh, राजस्थान ये सारे जो हैं ये सारे इनकी जो ग्रोथ पैटर्न है वो अलग रही है इट्स बिकॉज कि इन्होंने अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ठीक नहीं करें ठीक है इफ़ यू सी दी कंपेरिजन ऑफ मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पॉवर्टी इंडेक्स फॉर योर एंट्रेंस फोक्स सो एम अगर आप देखो तो झारखंड और बिहार जो है वो सेम कैटेगरी में और इन दिक कैटेगरी ऑफ मोजाम्बी का सीरा लियोन जो जो वन ऑफ ऑफ द दूरस्ट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका मानी जाती हैं एंड एंड बाकी सारी स्टेट्स की भी ऐसी है ठीक है ये आपके एम पी आई की फिगर्स हैं इसमें आप अपडेट करके आप एम टी आई एम पी आई की फिगर भी लिख सकते हो यू कैन यू कैन एट अपडेटेड फिगर्स ऑफ एम पी आई इज़ वेल सी और इनका वही वही है ये जो स्टेट्स जो डेवलप हुई हैं वो क्यों हुई हैं क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन किए थे अपनी सर्विसेज का स्पेशली सोशल सर्विसेज का तो केरला हिमाचल ने यूनिवर्सल यु, एलिमेंट्री एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और हिमाचल इज़ नाउ एट पावर विद केरला इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिमिलरली तमिलनाडु ने पावर्टी के रिडक्शन के लिए स्कूल्स मिड डे मील्स तमिलनाडु इज़ वेरी, वेरी वेल नोन फॉर दीज प्रोग्राम्स इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ दिया तमिलनाडु ने इसीलिए उनका Uh, इनका इन, ग्रोथ पैटर्न अलग है एंड एंड सेकेंडली मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स जो जिन्होंने पर, अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने क्या किया उन्होंने यूनिवर्सलाइज कर दिया अपनी सर्विसेज एक होती है जो हम पहले भी हमने उसके अंदर बात करी थी इफ़ यू रिमेंबर जो मैंने आ, आर्टिकल अपलोड किया है रिसेंट सोशल सेक्टर इनिशेटिवस कि दो तरीके की अप्रोचेज हैं या तो आप यूनिवर्सलाइज करो या फिर जिसमें आप सेल्फ सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आप उसको टारगेट करो टारगेटेड में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स आएंगे और यूनिवर्सलाइजेशन में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी तो यूनिवर्सल uh, प्रिंसिपल होना चाहिए आपका uh, इसका और उसी की वजह से यू सी दी ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर्स देन कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स ठीक है दी सोशल मूवमेंट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो करते हैं कि ट्रेडिशनल कास्ट इनक्वालिटीज़ हैं उनको भी फाइट करने के लिए एजुकेशन और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है uh, औ, और और बिकॉज बिकॉज ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं जिनमें सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है जो ईस्ट एशियन टाइगर्स हैं उनका भी फोकस इन्हीं इंस्टीट्यूशन पर रहा है बिकॉज ऑफ विच हैव अचीव वेरी हाई ग्रोथ रेट एंड जो इसका जो फर्दर पार्ट है वो हम करते हैं uh, दूसरा वाले चैप्टर के अंदर दी चैप्टर ऑन चैप्टर फाइव ऑफ यूनिट फाइव का जो दूसरा चैप्टर है दिस 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 दिज काइंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव पेजेस आई ट्राई टू टेक वन सेशन ईदर टूडे इवनिंग और टमोरो मॉर्निंग एंड टिल देन आई विल आई विल जस्ट टेल यू की इम्पोटेंट चैप्टर्स कौन से हैं ठीक है फॉर योर कोर्स जो आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से आई थिंक ये चार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हीं में से आपके पास दो क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे हिसाब से यूजली पुलपरी बालाकृष्ण और विजय जोशी में से एक क्वेश्चन तो आता ही है और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है यूजली राकेश मोहन पे वो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं सो so, इन चार से आपको एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए फिर उसके बाद अगेन जे वी मीनाक्षी पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन मेल न्यूट्रिशन एंड इन दोनों से आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन जो होगा वो डेमोग्राफिक चेंजेस के ऊपर होगा कि वट इज वट इज़ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बीन इन इंडिया डेमोग्राफिक डिपॉजिट डिविडेंट एंड डेट क्या है ठीक है सो दीज टू अगेन इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका हंड्रेड परसेंट बनेगा ठीक है सो यू शुड नॉट यू शुड नॉट इग्नोर दीस टू और दिस टू रीडिंग्स एंड इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है ठीक है टोटली एट क्वेश्चन बनते हैं ना और इन दोनों में से मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन बनेगा वो इंडिया चाइना से बनेगा इससे प्रणा बर्धन से सो दिस इज़ हाउ योर syllabus शुड बी there. यू कैन लीव वन यूनिट ऑल टूगेदर अगर आपको पूरा यूनिट ही छोड़ना है बट डोंट लीव ट्राई टू लीव टू यूनिट्स ठीक है यू विल स्ट्रगल राइटिंग फाइव आंसर्स सो दिस विल बी my रिकमेंडेशन कि आप ये तो रीडिंग्स करके ही जाओ और ये तो बहुत छोटी छोटी रीडिंग्स हैं यू कैन easily पिक them up. Uh, इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है हमारे पास तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो जिनकी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड दी वे टू अप्रोच योर आंसर्स शुड बी फोक्स ये मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है हाउ टू राइट आंसर्स इन इंडियन इकोनॉमी यू कैन सर्च दैट बट एक डोंट राइट योर आंसर्स की आपका क्वेश्चन पेपर आया तो आपने आंसर नंबर वन शुरू किया और पूरा का पूरा यहाँ से टीपना शुरू कर दिया विदाउट पैराग्राफ्स विदाउट एनीथिंग ठीक है सो डोंट राइट लाइक दिस मेक श्योर दैट यू चेंज पैराग्राफ्स आप क्वेश्चन को दो बार पढ़ो समझो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है ठीक है और उनको अगर दो पार्ट्स में तो उनको दो पार्ट्स में आंसर करो ठीक है सो सो आई वुड सजेस्ट कि यू स्टार्ट योर आंसर के आंसर नंबर वन यहाँ से शुरू हो रहा है देन आप अपना एक इंट्रोडक्शन जो आप ब्रीफ विंडो देनी है अपने आंसर की आप वो लिखो फिर यू कैन राइट सर्टन पॉइंटर्स लगाना सकते हो कुछ फ्लो चार्ट सा बना सकते हो इस तरीके से कुछ डायग्राम बना सकते हो टेबल बना सकते हो अगर जैसे पावर्टी की है टाइम बना सकते हो अगर आपको टाइम बनाना है तो ये कुछ जो दिस इज दिस इज नॉन रिटन जो आपका औ, औ, और और आई वुड से जो इट्स नॉट तो, डायग्रामेटिक अगर मैं बोलूँ उसको डायग्रामैटिक या पिक्टोरल जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपको आंसर में आपके आंसर्स में जान डालेगा और यही आपको मार्क्स देगा ठीक है इट्स नॉट इट्स नॉट एनी थिंग एल्स एंड एंड में इफ़ यू कैन राइट समथिंग लाइक वे फॉरवर्ड या एंड में आ, कोई आप कोटेशन लिख सकते हो या कुछ कुछ और एडिशन फैक्टर लिख सकते हो वो चीज़ जो है वो आपको आंसर्स में यू यूल Uh, I have to I have to गिव बाय हार्ट यू can't लर्न ऑल डेटा फिगर्स जो डेटा फिगर्स usually मैं बताता हूँ आपको वो याद करनी है जैसे पावर्टी में आपको मैंने ऑलरेडी बताई मैं कुछ फिगर्स inequality की कुछ फिगर्स हैं तो वो जो फिगर्स हैं जो important फिगर्स हैं वो याद होनी चाहिए बाकी सारे figures आप याद नहीं कर सकते प्लीज़ यू डोंट ट्राई टू डू दैट जैसे रिसेंट इनिशियेटिव वाले जो है उसके अंदर आप टिपिकली सिंपल ऐसा एक फ्लोचार्ट बना सकते हो कि अच्छा हमारी एम्प्लॉयमेंट पर यह है हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए ये है तो इस तरीके से कॉम्पिटिशन um, में इस तरीके से उस उस पूरी रीडिंग को लेता तो प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर इज एटी परसेंट ऑफ द गेम ट्वेंटी परसेंट इज वॉट यू राइट क्योंकि किसी टीचर के पास इतना टाइम नहीं है आपका पढ़ने के लिए वी हैव टू चेक मल्टीपल कॉपीज सो सो वी डोंट हैव दैट लेवरेज ऑफ 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 चेकिंग एक कॉपी को दस पंद्रह मिनट दे रहे हैं ठीक है सो फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड आई वुड सजेस्ट दैट कवर थ्री यूनिट्स प्रॉपरली अगर कोई तीन भी यूनिट कर रहे हो तो वो तीन यूनिट अच्छे से करके जाना uh, और उसमें से पहला यूनिट तो बिल्कुल न छोड़ना ठीक है क्योंकि पहला यूनिट ही आपको दो या तीन क्वेश्चन दे देगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग थ्री प्लस टू प्लस टू प्लस वन दिस इज हाउ एम एक्सपेक्टिंग कि तीन पहले से फिर दो फिर दो और फिर एक इस तरीके से आई एम एक्सपेक्टिंग दी क्वेश्चन टू कम ये टोटल एट क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन आपको करने हैं टाइम योर सेल्फ वेल आपके पास पैंतीस मिनट है क्वेश्चन लिखने के बहुत होता है मतलब पैंतीस मिनट बहुत होता है अगर आप यू में आओगे तो यही आंसर ऐसे ही आंसर आपको लिखने पर आपको आप दस से पंद्रह मिनट लें बारह मिनट से तेरह मिनट लेंगे या पंद्रह मिनट में लेंगे हेटमार्क्स तो आप, यू यू हैव सफिशेंट टाइम यू कैन प्लान योर आंसर वेल यू कैन हाईलाइट योर आंसर थोड़ा बहुत तो दिखाओ मतलब कि यार मेरा आंसर डिफरेंट कैसे है क्यों मुझे नंबर मिलने चाहिए तो अनटल दैट इज प्रेजेंट यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स एंड स्पेशली वो लोग जिनका अराउंड आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी बाकी अपने अपने कैटेगरीज का आप सोच सकते हो स्पेशली पीपल हराउंड एट पॉइंट नाइन के अराउंड जिनका सी जी पी ए चल रहा है नाइन सी जी पी ए चल रहा है दे वुड वॉन्ट टू लाइक गेट इधर अ नाइन और अ टेन इन इंडियन इकोनॉमी क्योंकि नाइन और टेन अगर इंडियन इकोनॉमी में आ गया तो देन यू विल बी स्टार्ट स्टार्ट टू स्ट्रेच यूर लीड एंड देन आप नाइन पॉइंट वन नाइन पॉइंट टू आ सकते हो एंड नाइन पॉइंट वन नाइन पॉइंट टू पे यू विल बी रिलेटिवली क्लोजर टू योर कट ऑफ आपको एंट्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी डी स्कूल की ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर योर जर्नी आई ट्राई टू टेक वन मोर सेशन टुडे इवनिंग ऑन यूनिट फाइव का फर्स्ट रीडिंग एंड देन आई विल ऑल्सो ट्राई टू टेक वन मोर सेशन इफ पॉसिबल ऑन से जो भी आपको रीडिंग करनी है uh, और अगर अगर आपको टी करनी है तो वो वाली रीडिंग एक उस पर सेशन हो सकता है और दूसरा किसी और पे हो सकता है सो आई आई ट्राई टू टेक अप दीज टू सेशंस एज सोन एज पॉसिबल एंड एंड लेट यू नो चलो ओके देन फोक्स थैंक यू वेरी मच सी यू टुडे दे इधर इन द इवनिंग और टुमारो ऑल द बेस्ट